वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यार आज तो मेरी हालत देखो। तुम्हारे मैराथन की तैयारी चल रही है तो मेरा तो दूसरा वाला मैराथन भी हो रहा है। लिटरली लिटरली वैसा वाला मैराथन हो चुका है मेरा। कल 10 बजे से शुरू होगा मैराथन। ठीक है, कल 10 बजे से मैराथन शुरू हो रहा है। ठीक है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक चलेगा, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मुझे थोड़ी सांस लेने दो, मैं सच वाला मैराथन करके आई हूँ। और ये एक्टिंग भी नहीं है, सच में एक्टिंग नहीं है ये। रुक जाओ, ठीक है, आई एम नॉर्मल। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उड़ान क्लासेस, उड़ान सफलता की ओर। तो टुडे इज योर 31st क्लास, राइट? फिर से मंथन बोल दिया क्या मैंने? नहीं, वो तो कल बोला था। सो इट्स मैराथन। ओके, सो मैराथन आ रहा है सब। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, रात को डलेगा, आई थिंक 9 बजे। ठीक है, तो सब अपनी एक्साइटमेंट वहां पे दिखा रहा। मेरी जिंदगी का पहला मैराथन है, मतलब वैसे वाला भी। वैसे तो मेरी दौड़ हो ही रही है उसके चक्कर में, और पढ़ाई वाला भी। ठीक है, सो सब वहां पे अपनी एक्साइटमेंट दिखाना। सो अभी मैं सबको बोल देती हूँ, चेतक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि विशु भी कहीं ऊपर होंगी, क्योंकि मैंने मैसेज नहीं पढ़े। तो ओके, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है और इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर जो है, जो आपको डिस्कशन में चीजें समझ में आएंगी वो और कहीं भी नहीं आएंगी। ठीक है सनी, हाँ स्लो ही बोल रही हूँ मैं तो अभी स्लो ही हूँ। ठीक है, चलो। सो इसके साथ ही आप अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे, फ्री सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी मिलेंगे, कैप्सूल्स, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे और बहुत कुछ। और आपको मिलेगा हमसे कनेक्ट करने का मौका विद कम्युनिटीज ऑफ योर एवरी फैकल्टी। सो एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा, मैम प्रतिभा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ी थोड़ी सी अब आपको ना एंटोमोलॉजी की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो आर यू रेडी? अब मैं थोड़ी स्टेबल हो जाती हूँ, बाकी का मैराथन कल करेंगे। ओके, द शिवम 003, हाय मैम, आई एम न्यू। ओके, वेलकम टू आर उड़ान परिवार। आई होप कि आप डेली आओगे और हमारे इस उड़ान परिवार का सदस्य बन जाओगे, दैट इज योर रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपको इतना ऐसे होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ज्यादा आपको फोकस करना है अभी। देखो, हमने पढ़ लिया था इंसेक्ट के 3 सेगमेंट, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। ठीक है, थोरेक्स में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ठीक है, आज जो है हम फोकस करेंगे पहले पार्ट पे। तो हम अपना जो हमारा बेस्ट है, जो क्रॉप का दुश्मन है, उसके जितने भी सारे कमजोरियां हैं, जितने भी सारे पार्ट्स हैं, उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज जो होने वाला है वो होने वाला है नंबर 1 का पोस्टमार्टम। ठीक है, दैट इज योर हेड। तो पहले हेड में क्या क्या है, हम वहां से शुरुआत जरूर करेंगे। बहुत बड़ा है तो एकदम से मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से स्टेप्स हम लेंगे। ठीक है, पूरी जिंदगी हमने साथ में ही चलना है, और पता चला तुम्हारा एग्जाम निकल गया तो मुझे छोड़ के भाग गए। ठीक है, ओके प्रिंस कुमार, मैम नोटिफिकेशन नहीं आता लाइव क्लास का, मैं लेट हो गया हूँ मैं खुद लेट हो गई थी, भाग भाग के आई, नोटिफिकेशन कैसे भेजू, फोन भी नहीं है मेरा, मेरे पास। मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले ना मैं अपना कहीं लगा लूंगी, मैं कहीं भी लगा के नहीं आती हूँ अपने सेशन को, आ जाती हूँ यहाँ पे मुंह उठा के। चलो, सो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मेरे सेशन को आप अपने स्टेटस पे लगा दो या कहीं पे शेयर कर दो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। चलो, सो जो इंसेक्ट का हेड होता है, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, सो जो हेड होता है उसमें क्या क्या होता है बेटा, जो इंसेक्ट्स का हेड होता है उसमें सबसे पहले आईज, ऑब्वियसली आंखें होती हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, तो आंखें होती है, तो मैं बिल्कुल डायग्राम्स लेकर आऊंगी, उससे समझाऊंगी। सो कंपाउंड आईज उसको बोला जाता है, एंड देन ऑसिले।
तो मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, जो इंसेक्ट का हेड होता है उसमें कितने पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती हैं? शाबाश, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कोई कॉमन मैन भी बता देगा। पेयर की बात कर रही हूं मैं कि कंपाउंड आईज के कितने पेयर होते हैं, तो इंसेक्ट में कितनी आंखें होती हैं? विशु, आपको मन की बात कैसे पता चली? कौन किसके मन की बातें पढ़ रही हो तुम, पढ़वा रही हो तुम? यस, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। जो कंपाउंड, वेरी गुड चेतक, प्रियंका, परिष्ठा, इट इज योर वन पेयर। ठीक है, तो भाई इंसेक्ट के हेड में वन पेयर मतलब दो कंपाउंड आईज होती है ना? सो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती है, प्लस एक ऑसिले होता है जिसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो आपको वो वहां से पता चलेगा। थोड़ा सा वेट करो। नाउ एंटीने, ठीक है, और हेड में क्या होता है? इंसेक्ट के हेड में एंटीने होते हैं, तो बताओ जी कितने पेयर ऑफ एंटीने होते हैं? ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुझे बोला तुमने विशु, क्या मन की बात पढ़ी मैंने तुम्हारी? और तुमने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं दी है, लाइक कर दो सेशन को जल्दी से। जब आप सेशन को लाइक करते हो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, अब तो 30 दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ, जल्दी से। एमसीक्यूज बहुत सारे हैं लेकिन मैं 3 दिन से बोल रही हूँ तुम्हें, थ्योरी करवाना चाहती हूँ मैं। ठीक है, चलो बताओ। एंटीने वन पेयर होते हैं, वेरी गुड। एंड देन माउथ पार्ट्स, जिस पे हमारा आज का फोकस भी रहेगा, एक माउथ पार्ट्स पे रहेगा और इंसेक्ट के हेड पर रहेगा। ठीक है, अब ये जो बेटा इंसेक्ट का हेड होता है, इंसेक्ट का हेड जो होता है उसमें कुछ अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट मतलब जो आगे होता है, ठीक है, आगे वाला पार्ट जो है हेड का, उसको फ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपने नोटबुक्स निकाली हैं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ बेटा कि कोई भी सेशन आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, एकदम ऐसे लेट के मजे से ऐसे मूवी चल रही है वैसे मत करना। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट चाहिए तो नोटबुक लो, जो नहीं पता है वो लिखो। ठीक है, हाँ, सो यहां पर जो एंटीरियर पार्ट है हेड का, उसको क्या बोला जाता है? फ्रॉन्स बोला जाता है। तो मैं इसको एमसीक्यूज में लेके आऊंगी, लिख लो इसको। ठीक है, देन योर एंटीरियर एरिया विलो द डॉर्सम ऑफ द हेड। ठीक है, हेड के डॉर्सम के विलो एंड बिहाइंड द आईज जो होता है वो होता है आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो ये डायग्राम्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्टेक्स कहाँ होता है। तो ये सारे पार्ट सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए कि हेड के होते हैं, चाहे वो फ्रॉन्स हो चाहे वो वर्टेक्स हो। ओके, अब जैसे जो एंटीरियर पार्ट है वो तो हो गया आपका फ्रॉन्स, राइट, और जो आपका एंटीरियर एरिया है कहां पर? बिहाइंड द आईज, आईज के बिल्कुल पीछे, वो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, राइट। नाउ द एरिया बिलो द कंपाउंड आई, जो कंपाउंड आई के नीचे वाला एरिया होता है ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड इज नोन एज जेना। तो मैं आपसे पूछूंगी कि जो आपके कंपाउंड आई के बिहाइंड जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जेना बोलते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है हेड का, आगे वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉन्स बोलते हैं, राइट, और जो बिहाइंड द आईज होता है वो वर्टेक्स होता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं हेड के हैं, तो आप लिख सकते हो पहले हेड, देन फ्रॉन्स, देन आपका वर्टेक्स। तो जब भी आपको बेटा नोट्स बनाने हैं तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये पूरा जो पीपीटी है, देखो अगर आप अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी पेस्ट करोगे वो ज्यादा सही है, या आप ऐसे करोगे हेड, हेड के साथ फ्रॉन्स, देन सेकंड इज योर वर्टेक्स एंड थर्ड इज योर जेना। ठीक है, यहां पर बेटा आप लिखोगे एंटीरियर पार्ट, ठीक है, यहां पर आप लिखोगे बिहाइंड द आईज, और जीन को आप क्या लिखोगे? अदर साइड ऑफ द कंपाउंड आइस, बिलो द कंपाउंड आइस। ठीक है, बिलो द कंपाउंड आइस। तो ये मैं आपको इस तरीके से जो है आपको एक प्रोविजन दे रही हूं कि नोट्स आप अपने कैसे बनाएं, कि जब आप उसको फिर से रिवाइज करें तो आपको इजी हो जाए एंटोमोलॉजी पढ़ना, राइट। देन एक लिप लाइप स्क्लेराइट होता है। स्क्लेराइट क्या होता है वो भी एमसीक्यूज में मैंने रखा हुआ है। तो वो जो स्क्लेराइट होता है, लिप लाइक दिखता है, उसको बोलते हैं क्लाइपियस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी
डायग्राम, राइट। तो हमने क्या बोला, अब आपको रिलेट करना है, जो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको रिलेट करना है। तो बेटा चित्र, डायग्राम एक ऐसी चीज है जिसके लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, है ना ज्योति? ठीक है, तो हिंदी में देखो एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला भाग, अब आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। सो हम डायग्राम में देखते हैं, ये है आपका हेड, ये देखो इंसेक्ट का वो जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये आपका हेड है, ठीक है। अब हेड में क्या है आपकी, ये है आपकी कंपाउंड आई, एक इधर एक उसके अपोजिट साइड, ऐसे कंपाउंड आईज बड़ी बड़ी होती है, ये है आपकी कंपाउंड आईज जो हेड में प्रेजेंट होती है, और एक पेयर होता है मतलब दो आंखें होती है जैसे हमारी है, ठीक है। नाउ ये जो आपका मैक्सिला और मैंडिबल है, ये आपके क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जॉज होते हैं, जैसे आपके जॉ है ना आप खाना चबाते हो, वैसे ही इस इंसेक्ट के भी जॉज होते हैं, ठीक है। दो तरीके के जॉ होते हैं बेटा, एक होता है मैंडिबल, एक होता है मैक्सिला, ठीक है। जो मैंडिबल है, मैंडिबल उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रू जॉज बोलते हैं, ओके, जबड़े आपके असली वाले, ये इंसेक्ट के जबड़ों को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। इसी जबड़े से, इसी मैंडिबल से जो इंसेक्ट है अपना खाना चबाता है, ठीक है। सो दिस इज आर ट्रू जॉज या प्राइमरी जॉज, ओके। जबकि मैक्सिला, मैं आपको बता चुकी हूं मैक्सिला क्या होता है बेटा, इट इज योर एक्सेसरी जॉज, एक्सेसरी जॉज या सेकेंडरी जॉज, ओके। सो अब मैं आपको बताती हूं कि एक्सेसरीज क्या होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने एक्सेसरीज पहनी है, तो दैट इज योर इयर रिंग्स या मेरी चेन या मेरी घड़ी, मतलब ये जो सारी जो एक्सेसरीज है, ओके, नेसेसरी नहीं है, एक्सेसरी है, ओके। पहनू तो भी ठीक है, नहीं पहनू तो भी किसको पड़ी है, चेन नहीं पहनी आज मैंने, ऐसे पहनती हूं, ठीक है। तो दैट इज योर एक्सेसरी। तो ट्रू वाले जॉ जो खाना चबाने के लिए चाहिए, दैट इज योर मैंडिबल, ओके। तो इतना समझ में आ गया मैंडिबल और मैक्सिले का, तो आगे जब भी ये आएगा तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के टाइम पे। अब यहां पर देखो, ये आपका वो फ्रंट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पर हो गए आपके एंटीने, है ना, एक दो, वन पेयर ऑफ एंटीने, ये जो आपको ऐसे मूंछ जैसी दिखती है ना, ऐसे लगी हुई, कॉकरोच में भी बड़ी सी मूंछ लगती है ऐसे इंसेक्ट्स में कुछ, दैट इज एंटीना, ओके। तो एंटीना के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन फिर हमने बोला था क्लाइपियस, क्लाइपियस क्या बोला था बेटा, देखो ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये क्या है बेटा, लिप लाइक स्ट्रक्चर है आपका। तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन में आएगा लिप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर क्लाइपियस, राइट। उसके बाद आपने फ्रॉन्स पढ़ा था, जो बिल्कुल क्या बोला था बेटा, फ्रॉन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड, मतलब जो आगे वाला हिस्सा है सर इंसेक्ट के हेड का, सर का, दैट इज योर यहाँ पे फ्रॉन्स, ये वाला हिस्सा, ये माथा है ना, ये कंपाउंड आईज है, ये आपका फ्रॉन्स है। और बोला पीछे वाला हिस्सा, बिहाइंड द आई, दैट इज योर वर्टेक्स, है ना। तो आगे वाले हिस्से को फ्रॉन्स बोलते हैं, पीछे वाले को वर्टेक्स बोलते हैं, राइट, और लिप लाइक स्ट्रक्चर को क्लाइपियस बोलते हैं। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी टर्म्स डायग्राम के माध्यम से ज्यादा देर तक याद रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी टूटी फूटी जैसी भी डायग्राम है उसको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इंसेक्ट का हेड है, यहां पे आप लिखोगे वन पेयर ऑफ एंटीने, बेटा इंसेक्ट में वन पेयर ऑफ एंटीने होता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रॉन्स होता है, वर्टेक्स होता है, अभी तक हमने ये किया। उसके बाद मैंने आपको बोला जीना क्या होता है, दैट इज द जीना, ठीक है। तो जीना क्या होता है, बिलो द कंपाउंड आई, है ना, ये है आपकी कंपाउंड आई, ये है बेटा कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई के नीचे वाला जो रीजन है वो क्या है बेटा, जीना। पीछे वाला हिस्सा क्या है, पीछे वाला है वर्टेक्स। आगे वाला क्या है बेटा, आगे वाला हिस्सा सर का, आगे वाला पोर्शन है फ्रॉन्स, क्लियर। आगे वाला हिस्सा फ्रॉन्स, पीछे वाला वर्टेक्स, ठीक है। बिहाइंड द कंपाउंड आई जीना, और लिप लाइक स्ट्रक्चर क्लाइपियस, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये तीन चार जो है छोटे छोटे वर्ड समझाए, आई होप जो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ
based on the inclination of long axis of the head and orientation of the mouth parts. कि head और mouth parts की inclination आपस में कैसे arrange है, उसके basis पे जो head है वो आपका कितने type का होता है? First is hypogonathus. तो इस दुनिया में जितनी भी बार hypo word आएगा, चाहे वो आपका क्या है? हाइपोजियल जर्मिनेशन है. सीड में हमने पढ़ा था बेटा हाइपोजियल जर्मिनेशन. तो हाइपो का मतलब होता है विलो, नीचे, है ना. तो यस, सो नीचे होता है कि आपका कॉटिलेडॉन बिलो द सॉइल रह जाता है, सॉइल के नीचे रह जाता है. फिर हमने जेनेटिक्स में क्या पढ़ा था बेटा? हाइपोस्टैटिक जीन्स, राइट. उसमें भी हाइपो का मतलब था नीचे, वो जीन्स जो नीचे दब जाती है, जिनका इफेक्ट मास्क हो जाता है. अब अगर आप मेरे साथ डे फर्स्ट से जुड़े होते, आपने मुझसे जेनेटिक्स पढ़ा होता, आपने सीड पढ़ा होता, फिर आप एंटो में आए होते, तो आप रिलेट कर पाते, है ना. जैसे शिवी है, प्रियंका है, राजेश है, संध्या है, तुम सारे ही हो यार, है ना. तो तुम रिलेट कर पा रहे हो. सो दिस इज द पावर ऑफ डिस्कशन. तो भाई हाइपो यहां पर भी आ गया, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा. हाइपो का मतलब है बिलो, है ना. और जहां पर भी गनेथस का मतलब आएगा जॉ, तो जिन जॉ की हम बात कर रहे थे, माउथ पार्ट्स, है ना. तो मुझे बताओ प्राइमरी जॉस कौन से थे बेटा? प्राइमरी जॉस किसको बोला जाता है? मुझे बीच बीच में ये भी करना पड़ता है ना कि भाई समझ आ रहा है तुम्हें कि नहीं, जल्दी बता दो. सुशील तुमने क्या पूछा, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है? होती है यार, ठीक है, होती है नेगेटिव मार्किंग. मैंने एक दो वीडियोस देखी थी, उसमें बोला था कि नहीं होती है, ठीक है, और लेकिन होती है. फिर मैंने 0.25 होती है. चलो, वेरी नाइस, इट इज योर मैंडिबल, ठीक है. मैंडिब्यूलर इज डिफरेंट, मतलब मैंडिब्यूलर बेटा उन इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स को बोलते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं, ठीक है. अगर आप बोलोगे मैंडिब्यूलर माउथ पार्ट्स हैं उसके, मतलब वो इंसेक्ट जो है वो क्या करता है? बाइट और च्यू करता है, सक नहीं करता है. सकिंग टाइप के अलग टाइप के होते हैं. क्या होते हैं? आपको पढ़ाया है मैंने बेटा, जो सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं, जैसे एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, बग्स हैं, इनमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? चलो बताइए कैसे माउथ पार्ट्स होते हैं चेतक? एक मैंडिबुलर और दूसरे, जल्दी बताओ, तब तक मैं अगला बताती हूं. ये कौन है बीच में? हॉस्टिलेट होते हैं, वेरी नाइस, मैंडिबुलेट और हॉस्टिलेट. चलो अब हम बात कर रहे थे बेटा कि हमारा कैसा है, हेड के टाइप्स की बात कर रहे थे हम, टाइप्स ऑफ हेड. तो पहला हाइपोगनेथस, दैट इज बिलो जॉ, ओके. अगर आपका हेड जो है, ये टाइप जो है वो ऑर्थोपेटेरॉइड टाइप का होता है. ऑर्थोप्टेरा में क्या क्या आता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं. एक मिनट, लेट मी ब्लॉक हिम, स्टूपिड गाय, स्टूपिड लोगों की हमारे इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है. यहाँ पे लड़कियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है. डोंट गिव हिम अ शिट शिवी, इट्स ओके. चलो, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हाइपोगनेथस. तो मैंने आपको बोला था जो ऑर्थोप्टेरा है बेटा, जो ऑर्थोप्टेरा है उसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? वेरी नाइस, ग्रास हॉपर आता है, लोकस्ट आता है, राइट, लोकस्ट नहीं, ग्रास हॉपर आता है और क्रिकेट आते हैं, है ना, राइट. देन तो फिर ये किस में होते हैं बेटा? ये जो आपका हाइपोगनेथस है, मतलब जॉ जो है बिलो, जो हेड जो बिलो द जॉ होगा, वो होंगे आपके ऑर्थोप्टेरा वाले ऑर्डर में, राइट. नाउ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल, इट इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, ओके. सो यहां पर क्या होगा बेटा? हेड जो है वो वर्टिकल होगा. वर्टिकल क्या होता है? ऐसे ऐसे आप सीधी लाइन खींचोगे, इट इज योर वर्टिकल, इट इज योर हॉरिजॉन्टल, डॉर्सल पीछे, एंटीरियर आगे, ओके. तो ये सब जो डायरेक्शंस है वो आपको पता होनी चाहिए. एंटोमोलॉजी में जब भी आप पढ़ते हो कि डॉर्सल हार्ट, है ना, वेंट्रल, एंटीरियर, तो ये सब आप लिख लेना एक जगह पे. एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन, है ना, डॉर्सल भी बिहाइंड वाला पोर्शन. सो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके. चलो, सो ग्रास हॉपर और कॉकरोचेस में ये होता है. नाउ सेकंड इज प्रोगनेथस. प्रो मतलब इन फ्रंट,
ठीक है, आपका हेड और जॉ जो है वो कैसे इंक्लाइंड होंगे बेटा, एक दूसरे के सामने इंक्लाइंड होंगे। ओके जल्दी ओके किसको भूल गए, चलो हाँ हाँ आप ये जो लाइव क्लास चलिए बेटा, ये एज अ वीडियो बन जाएगी, टेंशन मत लो, ये गायब नहीं होगी। अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है विद डायग्राम तो सब कुछ यहाँ पे होगा, आप आराम से डिस्क जो है रिवाइज कर सकते हो। ओके ओके सो प्रो मतलब फ्रंट वाला है ना, तो आपके जॉ कहाँ होंगे, फ्रंट में होंगे। और ये वाला टाइप जो इंक्लाइनेशन है, ये वाला टाइप ऑफ हेड है, ये किस में होता है, ये होता है कॉलियोप्टरा वाले ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ प्रोगनेथस हेड। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कॉलियोप्टरा ऑर्डर भी हो सकता है और बीटल और वीविल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जितने भी बीटल हैं, वीविल्स हैं, कॉलियोप्टरा ऑर्डर के जो हैं उनका प्रोगनेथस टाइप ऑफ हेड होता है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं अमित, हम बार बार एंटो के जब क्वेश्चन करेंगे और मैं बार बार आपसे पूछूंगी, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही हूं बेटा जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड है उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोर्शन ऑफ जो इंसेक्ट हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। तुम में से 50% को ये याद होगा, देखती हूं मैं किस किस को याद है। फ्रंट पोर्शन को क्या बोलते थे रुक्मणी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जो जो न्यू आ रहे हैं वो सेशन को लाइक करते जाएं, ठीक है ओके हां जी बेटा, जेआरएफ में जेआरएफ जेआरएफ तो नॉर्मल एमएससी के लिए होता है ना, होती है, वेरी नाइस। सो संध्या, रानी, दामिनी, प्रत्याशा, इट इज फ्रॉन्स है ना, और जो बिहाइंड होता है, बिहाइंड द आइस, आइस के बिहाइंड वाला जो होता है वो क्या होता है, वी फॉर बिहाइंड और वी फॉर योर, जल्दी से वी से क्या होगा, बिहाइंड वाला पोर्शन बताओ जल्दी से, फ्रॉन्स आप सबको आता है, वर्टेक्स बिहाइंड वाला होता है, वेरी नाइस। किसने बताया सबसे पहले, शिवी पाठक ने, वेरी नाइस। सो वर्टेक्स पीछे वाला होता है ना, और बिलो द आई वो क्या होता है आपका, जेना होता है ना, वेरी नाइस। सो थर्ड इज योर ओपिस्थोगेनेथस, ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, बिनाइंड लिख दिया यहां पे, ठीक है, इट इज बिहाइंड, मतलब अगर हेड और जॉ की इंक्लाइनेशन जो है वो आगे पीछे है, ठीक है, जॉ यहां है, हेड यहां है, आगे पीछे है, सो दैट इज योर ओपिस्थोगेनेथस। और ये किस में होता है, हेमिप्टेरॉइड टाइप में होता है, बताओ हेमिप्टेरा ऑर्डर किसका है बेटा, हेमिप्टेरा ऑर्डर किसका है, हेमिप्टेरा ऑर्डर है, अभी तक आपको क्वेश्चन पहुंच गया होगा, तो बग का होता है, और जो हेमिप्टेरा ऑर्डर है वो फर्दर होमोप्टेरा, होमोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा में डिवाइड हुआ है, ठीक है ओके। सो ये आपका बग्स वगैरह में होता है, ठीक है, तो इसके आप छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया, आपको क्या नोट्स बनाने हैं बेटा कल के लिए, मैं क्वेश्चंस जो लेके आऊंगी, जो मैं आपको कल एमसीक्यूज लेके आऊंगी उसमें आपका रहेगा कि आपका ये ओपिस्थोगेनेथस टाइप ऑफ हेड किस में होता है, कौन से ऑर्डर में होता है, राइट, देन फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं, बैक पार्ट को क्या बोलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगी। आज के जो क्वेश्चन है वो अब हम शुरू करेंगे, ठीक है ओके सो गाइस अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, कौन बनेगा मैम का फेवरेट, कौन बनेगा आज का टॉपर, ठीक है। सो अब कल से ना मैं यहाँ पे नोटबुक लिखूंगी और नोटबुक में तुम्हारे मार्क्स लिखूंगी, जो टॉप टू होंगे ना उनका नाम फिर लास्ट में अनाउंस होगा टॉपर ऑफ द डे, ओके सो ओके। गूगल में नेगेटिव मार्किंग नहीं आ रही है, ओके मैंने अपने किसी से पूछा था बोलता होती है, एक बच्चा भी बोलता मेरे कमेंट में होती है, अदरवाइज मैंने जो देखी थी उसमें तो बोला था नहीं होती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो, वहां जाके देख लेंगे, ठीक है, होती भी होगी तो 0.25 होती होगी, तुम्हें फिर भी ढंग से सारे जो ऑप्शन है वो पढ़ने हैं, ठीक है बेटा चलो। सो क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट नाउ। एंटीना हैव अ कॉम लाइक शेप नोन एज, वो एंटीना जिसकी कॉम लाइक शेप होती है, पेक्टिनेट, सर्विक्स, थोरेक्स, स्टाइलेट,
हाँ, जो मैंने देखा था वो नहीं होता है, सो टेंशन मत लो इसके बारे में, आप जाके पेपर दो आराम से, ठीक है? ओके, वेरी नाइस, इट इज योर पैक्टिनेट एंड विशु वन, ठीक है? यहाँ पर विशु ने सबसे पहले आंसर किया है, इट इज योर पैक्टिनेट, वेरी नाइस। सो एंटीने हैव फेदर लाइक शेप, जिनका फेदर लाइक शेप होता है, स्टेमिना, प्लूमोज, स्टीरेट और सर्विक्स। यस, लास्ट वाले तो एंटीना ही नहीं है, शाबाश। ओके ओके ओके, अब मुझे देखना पड़ रहा है कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा। फेदर लाइक शेप वाले, आकाश लिख रहा है बी। ओके, सो आकाश इन द लीड, विशु वन और आकाश वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेग्स विच आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, जो इंसेक्ट वॉकिंग के लिए यूज करते हैं लेग्स को, उनको क्या बोला जाता है? हाइंड लेग्स, फोर लेग्स, एम्बुलेटरी लेग्स या बोथ ए एंड बी? ओके, बताइए। वो लेग्स जिनको, एक तो ना तुम आंसर लिखो, पूरा पूरा आंसर लिखो, ए बी सी मत लिखो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम पिछला आंसर कर रहे थे या नहीं करते। आकाश चौधरी ने फिर से सबसे पहले आंसर किया है, वेरी नाइस आकाश। सो आकाश टू विशु वन, एंड इट इज योर एम्ब्यूलेटरी लेग्स। तो वो लेग्स बेटा जो इंसेक्ट वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, सिर्फ चलने के लिए यूज करते हैं, उन लेग्स को बोला जाता है एम्ब्यूलेटरी लेग्स, राइट? ओके नाइस। सो हाइंड लेग्स विच आर अडेप्टेड फॉर जंपिंग आर सेक्टोरियल, सॉल्टाटोरियल लेग्स, एम्ब्यूलेटरी लेग्स या फोर लेग्स? ओके टेल मी, हाइंड लेग्स जो है वो जंपिंग के लिए अडेप्टेड हो जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? विशु को कॉपी करोगे तो पीछे रह जाओगे, जल्दी करो, टू और वन पे चलो आकाश और विशु, जल्दी। ओके, आकाश इज सेइंग इट्स बी, ओ अगेन, सो इट्स 3-1। ओके, इट्स 3-1, सो इट इज योर साल्टाटोरियल लेग्स, ठीक है? जो चलने के लिए यूज होती है वो एम्ब्यूलेटरी लेग्स है ना, और जो जंपिंग के लिए अडॉप्ट होती है दैट इज योर साल्टाटोरियल। तो कैसे याद रखोगे बेटा? समर सॉल्ट होते हैं ना, समर सॉल्ट करते एकदम, क्या होते हैं समर सॉल्ट, पता भी है? तो समर सॉल्ट होते हैं, उसमें ऐसे कूद कूद के ना ऐसे जाते हैं, ऐसे पैर ऊपर ये वो, सो जो डांस में करते हैं ना, डांस इंडिया डांस में ऐसे समर सॉल्ट करते हैं। तो उससे याद रखना, जंपिंग के लिए आपको क्या करना है? समर सॉल्ट का सॉल्टाटोरियल, राइट? और वॉकिंग के लिए नॉर्मल एम्ब्यूलेटरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, लेग्स विच आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जो लेग्स मॉडिफाई होती है उनको क्या बोलते हैं? नोटोरियल लेग्स, सॉल्टाटोरियल लेग्स, एम्ब्यूलेटरी लेग्स या कर्सोरियल लेग्स? सन्नाटा ही हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसी लेग्स बेटा। ओके, आकाश ने फिर से सबसे पहले आंसर कर दिया, सो इट्स 4-1। विशु जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, कोई नहीं, यू कैन डू इट। सो द राइट आंसर इज नोटोरियल। ओके, जो स्विमिंग के लिए लेग्स मॉडिफाई होती है उन लेग्स को बोला जाता है नोटोरियल लेग्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, लेग्स विच आर मॉडिफाई फॉर रनिंग, नॉट वॉकिंग बट रनिंग, रनिंग के लिए जो लेग्स मॉडिफाई होती है उनको क्या बोला जाता है? कर्सोरियल लेग, बटरफ्लाई लेग, नेशनल नोटोरियल लेग या सॉल्टोरियल लेग? ओके, उमेश ने कहीं से सबसे पहले आंसर कर दिया है, पर क्या सही किया या नहीं किया है वो देखते हैं। अच्छा नहीं, ये तो पिछला ही चल रहा है अभी। अच्छा, आकाश ने किया फिर से, 5-1। अच्छा, वो पिछला चल रहा था अभी नोटोरियल वाला। ओके, सो इट इज योर कर्सोरियल लेग। सो हियर आई कैन सी कि ठीक है, आकाश सबसे पहले आंसर कर रहा है, बट बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप सही आंसर कर रहे हो यार। तुम क्यों बोलते हो एंटोमोलॉजी डिफिकल्ट है ना? हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, सारे हिस्सों का, सारे सेगमेंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पे। ओके चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटीरियर एरिया ऑफ द विंग्स सपोर्टेड बाय वेन्स इज यूजुअली कॉल्ड, बेटा जो विंग्स का आगे वाला पोर्शन होता है, शिवी तुमने नटोरियल लिखा था ना, तुमने नटोरियल लिखा था, कर्सोरियल होना था, शिवी ने किया था, वाह यार, सच अ ऑनेस्ट विनर ही इज।
ओके 411 हो गया, ठीक है तुम्हारी बात मान रहे हैं। कल से नोटबुक लानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि तुम बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लग रहे हो, सारे के सारे सही आंसर्स कर रहे हो, है ना। और मैं बाकियों को भी देख रही हूँ कि कौन कौन सही आंसर कर रहा है। चेतक, नाइस नाइस। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो तुमने मेरे से मिस ही करा दिया, मतलब कि किसने किया। बेटा, जो विंग्स का इंटीरियर पोर्शन जो वेन से होता है, दैट इज योर रेमिजियम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेमिजियम। तो जिस जिसने सी लिखा है, अपने आप को शाबाश दे लो, ठीक है, दैट इज योर नाइस। द गुरु चैनल ले लिया आपका नाम, ठीक है, ओके। आकाश बोल रहे मैं शिवी को ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर शिवी को हम विनर बना देंगे। चलो अब देखते हैं फिर से। ओके, डैश आर थिन एंड मोर और लेस ट्रांसपेरेंट, बट सम आर डार्कंड। किसके बारे में बात हो रही है ये बताओ, ठीक है, कौन से जो होते हैं वो पतले से होते हैं, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, और जो है कुछ डार्कन भी होते हैं, बताओ किसकी बात हो रही है। बटरफ्लाई के विंग्स की बात हो रही है, मेम्ब्रेनस विंग्स की बात हो रही है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। यस, शिवी विल अर्न इट वन डे। चलो, सो इट इज योर मेम्ब्रेनस विंग, ठीक है, क्योंकि विंग्स तो किसी के भी हो सकते हैं। ओके, सो इट इज योर मेम्ब्रेनस विंग्स ओनली, बटरफ्लाई के विंग्स मत करके आना उधर। चलो, सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंसेक्ट इज, जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है पहला इंसेक्ट का, वो क्या होता है। मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है तुम्हारे मार्क्स लिखने में, क्योंकि तुम ए ए सी सी कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा वो पिछला है या अगला है। तुम आंसर लिखो यार, ये नहीं होता। चलो बताओ बताओ, फर्स्ट। हाँ, चेतक ने कर दिया इस बार। सो इट इज योर एग, है ना, एग ही होता है सबसे पहला। बड़ा इजी सा सवाल था ये सबका ड्रॉ हो जाता है। चलो अब ये जो है फास्ट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, दिस इज योर रिवीजन क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहां पर अभी आकाश को दे देते हैं आज का पॉइंट, है ना। आकाश ने बैक टू बैक तीन चार सही किए हैं, कोई बात नहीं, सो वेरी नाइस आकाश। आकाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप मेरे पेड बैच के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। सो किसी को भी बेटा पूरा थ्योरी पढ़ना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, विद डाउट लेक्चर्स एंड ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस, तो आप मेरा फाउंडेशन बैच जो है उड़ान का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। कूपन कोड Y781 यूज कर सकते हो, हर जगह लिखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। कैसे एनरोल कर सकते हो वो एंड में बताऊंगी। चलो जी, नाउ नीडल लाइक प्रोजेक्शन यूज्ड बाय द इंसेक्ट टू पेनिट्रेट प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। बेटा, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कुछ नीडल लाइक सुई की जैसी प्रोजेक्शन होती है, और उस सुई को वो यूज करते हैं, कैसे, उस सुई को वो सकिंग करने में, जैसे प्लांट के अंदर घुस गए या एनिमल टिश्यू के अंदर घुस गए और फिर वहां से सैप सक करते हैं। चलो बताइए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टाइलेट। सो वेरी नाइस, उसको स्टाइलेट ही बोलते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी, ये आपका बग है। बग एक सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट होता है, राइट। बग जो है वो सक करता है प्लांट से या लीव से अपना सैप, तो ये जो उसकी नीडल लाइक सुई जैसी प्रोजेक्शन है, देखो प्लांट में घुसा के रखी है इसने। सो ये जो स्टाइलेट है, ये स्टाइलेट वो नीडल लाइक प्रोजेक्शन है, जहां से वो क्या करता है, टिश्यू को, टिश्यू प्लांट और एनिमल टिश्यू से सैप सक करता है। ओके, देन इन इंसेक्ट्स डैश आर नोन एज असेसरी जॉस। तो ये हमने डिस्कस किया था बेटा, असेसरी जॉस किसको बोला जाता है, मैंडिबल को, मैग्जिला को, लेबियम को, या बोथ ए एंड बी। एक्सेसरी जॉस किसको बोला जाता है। अभी भी सेशन में 58 लाइक्स हैं और 71 कॉन्क्यूरेंट व्यूअर्स हैं, तो जो जो हैं वो कृपया करके लाइक कर दे, क्योंकि मुझे एक पता चला है, जितने तुम लाइक करोगे उतने ज्यादा ये वीडियो जो है वो और ऐसे पहुंचेगी, ऐसा कुछ होता है, तो तुम कर नहीं सकते मेरे लिए, करो जल्दी से लाइक। चलो चलो चलो, वेरी नाइस, इट इज योर मैग्जिले। तो फिर मैं ये क्लास लाना बंद कर दूंगी, या मैं क्लास शुरू ही नहीं करूंगी तुम पहले लाइक नहीं करोगे तो, ठीक है। मैं इतने मन से पढ़ाती हूँ, देख लो तुम, फिर मैं क्या ही कर सकते हैं। Yes, maxilla is the right answer. Now, chewing and lapping type of mouth parts are present in. Chewing and lapping type जो है वो किसमें present होते हैं? कर दिया, thank you, आते ही किया करो, ठीक है? मैम, महापैक और different different new batches में क्या difference है?
बेटा महापैक अगर आप लेते हो ना, तो महापैक में आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं। अगर आपको मान लिया आरएयू पास आ रहा है ना, और आपको आरएयू की तैयारी करनी है, एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, तो आप वो बैच में पढ़ सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो। अगर आपको एएफओ का बैच पास में आ रहा है, एक साल तक आपको मिलेगा महापैक में। ठीक है बेटा शिवम, एक साल तक महापैक में आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो मान लिया आपका नबार्ड पास आ रहा है, तो आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उसी में आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट एएफओ का बैच लोगे, तो आपको नबार्ड की क्लासेस नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो अगर आप एक ही बारी में एग्रीकल्चर महापैक लेते हो, तो एक साल तक। और उससे भी बड़ी बात मैं तुम्हें बताऊं, नहीं बताऊंगी चलो कल बताऊंगी, कल के लिए वेट करो। उससे पहले जिस जिसको एग्रीकल्चर महापैक लेना है, एक साल तक आपको मिलेगा, और मस्त उसमें सारे बैचेस आपको, सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक, सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं ऐसा जो नहीं मिलेगा। चलो, सो यहाँ पे आपके सही आंसर्स आ चुके हैं। दैट इज योर हनी बी, है ना? ओके, सो ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, तो कौन सा बैच लूं? अच्छा, सारे ही कोर्सेज अगर आपको चाहिए कि आपको सारे ही ट्राई करने, सारे ही सब्जेक्ट्स लेने, तो आप एग्रीकल्चर महापैक ले सकते हो। जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं या कुछ भी होता है, अपडेट होता है, सब आपको मिलता रहता है। चलो, सो ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स, तुम मुझे इतना कंफ्यूज कर देते हो, मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ। अरे हर बार होता है। ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ हार्डन प्लेट्स विच इज नोन एज, क्या ही कर सकते हैं, बता दिया मैंने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन डिप्टरा हाइंड विंग्स आर हाईली रिड्यूस्ड, नोब्ड एट द एंड आर ऑल कॉल्ड। ठीक है, डिप्टरा में क्या होता है बेटा, जो हाइंड लेग्स होती हैं, प्राची ऐसा करते हैं कल का जेनरिक लगा लेते हैं इस पे, ठीक है? तो बच्चे क्रिबको को लेके बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कल मैं एक जेनरिक सेशन ले लूंगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना, ठीक है? सो अभी हम एंटो के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके चलो, यस नाइस, इट इज योर हॉल्टियर्स, राइट? नाउ लार्वा ऑफ ट्रू फ्लाइज, अगर ये किसी ने गलत किया, क्योंकि पहले जो मैंने पूछा था तो तुमने ये गलत किया था, इस बार सब सही करेंगे। सब एक साथ सही करेंगे बेटा, जो फ्लाइज होती हैं, फ्रूट फ्लाइज या ट्रू फ्लाइज होती हैं, उसके जो लार्वाज होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेरी नाइस विशु, वेरी नाइस योगेंद्र, एग्री समथिंग समथिंग योगेंद्र श्री, श्री श्री योगी राज लिखा था इन्होंने सच में, वेरी नाइस बेटा। मैगेट्स इसको बोलते हैं, ठीक है? जो और नीम्स किसका होता है? लोकस्ट या आपका ग्रास हॉपर, ठीक है? जो ऑर्थोप्टरा वाले होते हैं बेटा, उस ऑर्डर के इंसेक्ट के लार्वा को निम्फ बोला जाता है। ओके, उसके अलावा जो आपके बीटल्स होते हैं, जो आपके बीटल्स होते हैं उनके ग्रब्स बोला जाता है, जो आपके ग्रास हॉपर होता है उसको निम्फ बोला जाता है, और जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसके लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है। तो एग के बाद जो स्टेज आती है लार्वा, उसका जो नाम होता है वो सबका अलग अलग होता है, और ट्रू फ्लाइज का मैगेट्स होता है, ठीक है? द मीनिंग ऑफ लैपिडो मीन्स, लैपिडो का मतलब क्या है, लैपिडो का मतलब क्या होता है? लैपिडो का मतलब होता है आपका स्केल, ठीक है? लैपिडो का मतलब होता है स्केल। रास्पिंग और सकिंग टाइप ऑफ जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसमें होते हैं? बटरफ्लाई, थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई या बग्स। तो किसमें होते हैं? थ्रिप्स में होते हैं रास्पिंग एंड सकिंग टाइप, बग्स में होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। वो पियर्स करते हैं किसकी हेल्प से बेटा? स्टाइलेट की हेल्प से, वो नीडल लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से। ये पियर्सिंग, पियर्सिंग क्या होता है, जैसे आप पियर्सिंग कराते हो कान में, नाक में, तो वो भी सुई से ही होता है ना, तो बग खुद ही पियर्सिंग कर देता है और फिर उसमें से सकिंग करता है, और जो रास्पिंग और सकिंग है वो थ्रिप्स करते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्री केनाल इज, ये तो मैंने आंसर यही दे दिया बेटा, जो एलिमेंट्री केनाल होती है वो मॉडिफाई होती है इनटू द फिल्टर चैम्बर उन इंसेक्ट में जो आपका लिक्विड फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो लिक्विड फूड खाते हैं उनकी एलिमेंट्री केनाल जो है वो ट्रांसफॉर्म या मॉडिफाई हो जाती है फिल्टर चैम्बर में। ओके, अब ऑर्डर हेमिप्टरा ये मैं आपको बता चुकी हूं, होमोप्टरा और हेटरोप्टरा में होता है।
नाउ सॉइल इनहेबिटेड जो टर्माइट्स होती हैं वो एक अर्दन माउंट बनाती हैं, और उस अर्दन माउंट को क्या बोला जाता है? टर्मिटेरिया बोला जाता है. ओके नाउ कौन सा इंसेक्ट जो है वो ऑर्थोप्टेरा में बिलोंग करता है? ग्रास हॉपर, लोकस्ट और क्रिकेट, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? आपके ऑर्थोप्टेरा में बिलोंग करते हैं. चलो इंसेक्ट हेड में ये भी हम कर चुके हैं कि वन पेयर ऑफ एंटीना होता है, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती है. सो ये आपके रिविजन वाले क्वेश्चन है. आपका जो इंसेक्ट ब्रेन है वो डिवाइड होता है प्रोटो सेरिब्रम में, ड्यूटो सेरिब्रम में और ट्रीटो सेरिब्रम में. तो हम क्या करेंगे, अभी हेड के थोड़े थोड़े पोर्शन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेन, माउथ पार्ट, इन सब पर जाएंगे. तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं ऑस्टिया के बारे में आपको बताऊंगी. सो हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ क्या होता है बेटा? इंसेक्ट का ब्लड होता है. तो ये जो इंसेक्ट का ब्लड होता है ये एंटर करता है डॉर्सल वेसल्स में, ठीक है, एंड देन हार्ट में. मतलब डॉर्सल वेसल और हार्ट जो है वो एक ही जगह है, क्योंकि हार्ट आपका कहाँ होता है? डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो इंसेक्ट का खून है बेटा वो हार्ट तक कैसे कैसे पहुंचता है? तो वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, और उस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ऑस्टिया बोला जाता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचता है. तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है. अगर आपको जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड और एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में मंडे से शुरू कर रही हूं अपने उड़ान के फाउंडेशन बैच में. तो जिसको भी एंटोमोलॉजी बिल्कुल स्टार्टिंग से सिरे से पढ़ना है वो मेरा ये जो फाउंडेशन बैच है उड़ान, उसमें एनरोल कर सकता है. कूपन कोड आप यूज कर सकते हो Y781, ठीक है. ये कूपन कोड यूज करते ही आप मेरे उड़ान के पेड बैच में जो है एनरोल हो जाओगे. कैसे आप ये कर सकते हो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में उड़ान का प्लेलिस्ट और उसके नीचे उड़ान का पेड बैच का जो है लिंक दिया गया है, ठीक है. तो अगर आप चाहते हो कि अभी तो हम MCQs पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहां पर डाउट सेशंस रहते हैं, ठीक है, बोर्ड क्लासेस रहती हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा उड़ान का पेड बैच. और इसके अलावा जो आप पूछ रहे थे एग्रीकल्चर महापैक, तो वैसे तो ये हमारे लाइव चल रहे हैं, 16 मई को AFO का नया बैच आ रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो. और अगर आपका टर्म लॉन्ग टाइम का है कि आपको एक साल तक जो है पढ़ाई करनी है हर सब्जेक्ट की पूरे प्रॉपर तरीके से, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो. कूपन कोड Y781 यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. सो हाँ, तो जैसे ही आप अभी भी चेक कर सकते हो वैसे, पर अभी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखो, आप जब YouTube पे जाओगे बेटा, YouTube पे आप ऑलरेडी वैसे तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे ही हो, मैं भी आ जाती हूँ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे, ठीक है. इस पे मैं आ गई. अभी आप ये लाइव क्लास देख रहे हो, 31st क्लास है हमारी उड़ान की लाइव क्लास. ओके तो यहां से आपको लाइक कर देना, 72 लाइक्स हैं अभी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे शो मोर दिखेगा. तो ये बेटा उड़ान की प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको 30 जितनी भी वीडियोस आज तक हो रखी हैं वो दिख जाएंगी. और ये उड़ान का बैच है, इस ऐप पे, इस पे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आप पहुंच जाओगे सीधा उड़ान के बैच में, ठीक है. अगर इसको बाय नाउ करोगे और कूपन कोड लगाओगे Y781 और इसको एंटर कर दो, जैसे ही आप एंटर करते हो 735 में आपको ये पड़ जाएगा. मंडे से एंटोमोलॉजी शुरू हो रही है इसमें, और सारे रिकॉर्डेड लाइव सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे. और इसके अलावा अगर आपको महापैक में एनरोल करना है तो उसका भी आपको मिल जाएगा यहां पर लिंक. देखो यहां पर आपको लिंक्स दिए गए हैं, चेकआउट आर कोर्सेस एग्रीकल्चर महापैक एस बुक कॉम्बो Volume 1 and Volume 2. इसमें एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट है एस Volume 1 और Volume 2 में, ठीक है. अगर आपको बुक या कोई सीरीज लेनी है तो आप Y781, मैं अपने माइक में फंस चुकी हूँ, Y781 S कोड यूज करना है, ठीक है. और यहां से आप परचेज कर सकते हो एस एग्रीकल्चर Volume 1 and Volume 2. तो यहां पे आपको 594 का दिखा रहा है बेटा. जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे Y781S एंटर करोगे, ठीक है,
ओके सो ये आपको 580 रुपीज की पड़ जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल मैराथन में, और 9 बजे मेरे शॉर्ट्स भी डलने वाले हैं, मुझे उसमें बताइए कौन कौन कितना एक्साइटेड है, ठीक है, और किसकी क्या क्या जेनेटिक्स की क्लास कब करोगे मैम, बहुत जरूरी है जेनेटिक्स की क्लास, देखते हैं क्या पता मंडे को तुम्हें सरप्राइज ही मिल जाए, है ना। तो मंडे को मिलो उड़ान क्लास में, अभी कल के लिए हम मैराथन में मिलेंगे, और जल्दी से अपने सबने एक्साइटमेंट दिखानी है और बताना है कि आपको क्या क्या मैराथन में चाहिए, ठीक है। तो वही हम अकॉर्डिंगली करेंगे, बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग बनेगी, सैटरडे संडे को ये चले